रायबरेली में जातिगत आरक्षण के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश में हर जिले में कल्याण परिषद की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। वहीं रायबरेली में भी पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष रेणु सिंह आज रायबरेली पहुंचे और जिले के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन DM को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट समाप्त होना चाहिए, सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और प्रमोशन में आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं रेणु सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद से प्रदेश उपाध्यक्ष। किस लिए आई हैं आज, क्या DM ऑफिस आप लोग? ये DM ऑफिस हम आए हैं 5 सूत्री का ज्ञापन देने आए हैं। हमारे संगठन द्वारा हर जिले से ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिया गया है और हमारे इसमें 5 सूत्री मांगे हैं। पहले हमारी मांगे ये हैं SC एक्ट खत्म किया जाए और दूसरी हमारी मांग है कि जो सरकारी नौकरी में प्रमोशन होते हैं उन प्रमोशन को आरक्षण के उसमें आरक्षण खत्म किया जाए। हमारी तीसरी मांग है आरक्षण, ये जो आरक्षण है इसमें पूर्ण समीक्षा हो, इसके आरक्षण की पूर्ण समीक्षा हो और जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण ना हो, आर्थिक जनगणना के आधार पर आरक्षण हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।